इस वीडियो पर खूब बवाल मचा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और साथ में दिख रहे हैं देश के चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों की ये मुलाकात चीफ जस्टिस के घर पर हुई। बुधवार को चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। लिखा, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा की। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। पीएम ने एक फोटो भी साथ में शेयर की जिसमें वो चीफ जस्टिस की फैमिली के साथ आरती करते नजर आ रहे हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद कई मशहूर वकील और नेता सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने लगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले पर टिप्पणी की है और इसे एक गलत उदाहरण बताया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये चौंकाने वाला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को एक बहुत बुरा संकेत गया। कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और संविधान के दायरे में सरकार काम करे ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई है और इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी बनाए रखने की जरूरत है। प्रशांत भूषण ने एक और पोस्ट में लिखा, न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक दूरी बनाए रखनी चाहिए। उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उनके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। आचार संहिता का उल्लंघन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से समझौता कर लिया। सीजेआई की स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया है। SCBA को इस समझौते की निंदा करनी चाहिए। वकीलों के अलावा इस मुद्दे पर नेताओं के भी रिएक्शन आए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने भी इस मामले को लेकर CGI पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, गणपति उत्सव चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि PM अब तक कितने घरों में गए, लेकिन PM CGI के घर गए और उन्होंने आरती की। अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेश उत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की एक और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले को लेकर CGI चंद्रचूड़ पर तंज कसा। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि उत्सव समाप्त होने के बाद CGI उचित समझेंगे और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घनघोर अवहेलना पर सुनवाई समाप्त करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। अरे रुकिए, वैसे भी चुनाव नजदीक है, इसे किसी और दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। पीएम मोदी और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर सवाल उठाने के बाद BJP की तरफ से इस पर जवाब भी आया। पार्टी के लोकसभा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इफ्तार पार्टी में PM और चीफ जस्टिस मिला करते थे, तो अब गणेश उत्सव पर दोनों के मिलने को लेकर आपत्ति क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं और वहां अमरीका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है? जो POK के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है, दोनों त्योहारों के बीच
ये पार्थक्यता क्यों है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा का कहना है कि चीफ जस्टिस और पीएम मोदी की इस मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं है। उनके मुताबिक, मैं संजय राउत जो नेता हैं, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं उन्हें तो इस मुलाकात से थोड़ी परेशानी होगी ही। लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो ये भी जानते हैं कि चीफ जस्टिस और पीएम की इस मुलाकात से कोर्ट के किसी जजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम था जिसमें दोनों मिले। अगर कोई दूसरे ढंग से मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती, व्हाट्सएप पर बात हो जाती। अभी कल हमारे एक नेता यानी राहुल गांधी का वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने विदेश में जाकर भारत विरोधी लोगों से बात की। उनके बारे में संजय राउत और कांग्रेस नेता क्या कुछ बोलेंगे? मनन कुमार मिश्रा आगे बोले कि पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर चले गए, इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन का पता चलता है। उनके मुताबिक इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग शिकायत करने लगे। अब आप मनन कुमार से सहमत हैं या जो बाकी वकीलों और विपक्षी नेताओं की राय है आप उससे सहमत हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी अभय ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।